करवा चौथ स्पेशल में आप अपने ब्लाउज को बना सकते हैं साड़ी के साथ में, या सिंपल किसी भी ब्लाउज पे गोल गले पे आप यूनिक डिजाइन दे सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सीविंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको करवा चौथ स्पेशल ब्लाउज बताने वाली हूँ। मैं आपको गोल गले पे इतना सुंदर यूनिक डिजाइन बताऊंगी जो आपको पहनने पर बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने अस्तर वाला ब्लाउज लिया हुआ है और ये मैंने 3 गोल्डन बटन लिए हुए हैं और ये चेन वाली लेस ली हुई है और एक ये पतली वाली लेस ली हुई है। तो ये दोनों लेसों से और हम ये चीज डिजाइन आज बनाएंगे। उसके लिए आपको एक छोटा सा गोल्डन कपड़ा, छोटा सा कोई भी गोल्डन कपड़ा साड़ी के मैचिंग के कलर के हिसाब से आप देख लीजिए, तो वो हमको लगेगा। बिल्कुल छोटा सा 3 इंच का टुकड़ा हमको चाहिए, तो वो हम पहले से हमने ले लिया है सामान। अब मैं आपको इसकी कटिंग बता देती हूँ। देखिए, गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और नीचे से हमें गला थोड़ा फैलता हुआ बनाना है, तो हमने यहाँ पर 3 इंच की ली है। अगर आप छोटा गला पहनते हैं तो यहाँ से 2 इंच का लीजिए और इधर नीचे आके 2.5 इंच का लीजिए। अब ये गले की जो लंबाई है हमने देखिए 10.5 पर ली हुई है और आपको इसको इस प्रकार गोलाई में मिला देना है। देखिए, इस प्रकार सिंपल आपको गोलाई बनानी है और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए, मैंने नीचे के भाग में 1 इंच का निशान लगाया है। आपको ये 1 इंच का निशान पूरा नीचे बॉटम कमर तक मिलाना है और आपको ये गोल गले की कटिंग कर लेनी है। ये हमारा साड़ी का कपड़ा है और ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के हिसाब से हमने साड़ी के कपड़े को आधा आधा इंची एक्स्ट्रा लेके कटिंग कर लिया है। आपको साड़ी के कपड़े की ये देखिए, ये 3 इंच चौड़ी लंबी पट्टी काटनी है, क्योंकि हमें इसमें डिज़ाइन के अंदर क्या है, फ्रिल लगानी है। तो आपको 1.5 इंच के करीब तैयार फ्रिल चाहिएगी। तो आपको ये पट्टी कितने की काटनी है, 3 इंच लंबी पट्टी काटनी है, जो आपके इस गले में फ्रिल के रूप में डिज़ाइन में जैसी दी हुई है उस प्रकार से हम लगाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको सिलना बताती हूँ। देखिए, गले के कटिंग के बाद में जो हमने नीचे की तरफ 1 इंच की कटिंग करी थी, उसके अंदर हमको ये 1 इंच की जो हमने पट्टी काटी है, उस गोल्डन पट्टी को हमें इसमें सिलाई के द्वारा जोड़ना है। ये देखिए, इस प्रकार से आपको सिलाई के अंदर जोड़ना है। एक हिस्सा आपको इस तरफ से जोड़ना है और दूसरा हिस्सा आपको इस तरफ से जोड़ना है, ये इस प्रकार से, ताकि आपके बीच में जो जॉइंट की पट्टी है वो आपको गोल्डन दिखनी चाहिए। देखिए देखिए, मेन कपड़े में मैंने ये 1 इंच की पट्टी को अटैच कर लिया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वैसा ही आपको सिलाई होने के बाद में सेम जैसा हमने कटिंग किया था उसी प्रकार से दिख रहा है। अब आपके आपको सिर्फ ये अस्तर की गोलाई वाला जो गले वाला पोर्शन है, इसको अंदर पलटना है। इसको डबल नहीं करना है, इसको पलटना है और पलट के पूरे को अस्तर को डबल कर लीजिए। देखिए, इसी प्रकार पट्टी मैंने अस्तर में भी जोड़ ली है। अस्तर में जोड़ने के बाद आपको दोनों सिलाइयों को मिलाना है और गले की तरफ से इसको अंदर से फोल्डिंग सिलाई करनी है। आपको गले की तरफ कोई पाइपिंग नहीं लगानी है, कोई वो नहीं लगानी है, आपको अंदर से फोल्डिंग सिलाई करनी है। ब्लाउज के जो पीस वाला भाग है उसको सीधा रखना है, अस्तर को उल्टा रखना है। देखिए, मैंने गोलाई में सिलाई लगा ली है, आप गोलाई में कट लगाइए और इसे उल्टी तरफ सीधी तरफ पलट दीजिए। देखिए, गोल गला हमने पलट कर ऐसे तैयार कर लिया है। अब आपको ये फ्रिल लगानी है। फ्रिल आपको जो आपने ये सिलाई लगाई है उससे करीब आधा आधा इंच की दूरी से आपको फ्रिल लगानी है। देखिए, इस प्रकार से आपको लगानी है। फ्रिल लगाने के लिए आपको सिर्फ आधा इंच की ऐसी, जिस प्रकार हम चुन्नट भरते हैं उस प्रकार से आपको पूरे गले पर लगानी है, इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, देखिए मैं बताती हूँ। देखिए, इस प्रकार से आपको चुन्नट पूरे गले में आपको लगानी है। मैंने देखिए दोनों तरफ से गले में फ्रिल लगा ली है। आप भी इसी प्रकार से गले में फ्रिल लगा तैयार कर लीजिए। अब इसमें आप पहले आप चेन वाली लेस को इस प्रकार से गले में लगाइए। ये देखिए, इस प्रकार से इसे घुमाओ में दिक्कत नहीं आएगी, ये नॉर्मली आराम से घूम जाती है। इसे आप पूरे गले पे लगा लीजिए। देखिए, हमने वाली ये वाली चेन वाली लेस लगा ली है। अब उसके पास में मैं ये वाली पतली वाली लेस एक और लगाऊंगी। ये देखिए, इस प्रकार से आप इस लेस को लगा दीजिए, ताकि आपकी जो सिलाई है वो पूरी इसमें दब जाएगी। देखिए, हमारा ये गला बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं हमने गोल गले को कितनी अच्छी डिज़ाइन दी है, यूनिक डिज़ाइन बना दिया है। और आप, मैं आशा करती हूँ आपको ये गला पसंद आया होगा और आप इसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको पहले से नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।